यार प्रेस होगा It's not really fair, it's not right. ना मैं कब से आप लोगों से बोल रहा हूँ सर बस बंद कर दीजिए अपनी जबान कंपनी एंग्रो की सब्सिडियरी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू स्वी सदन कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस टर्मिनल को बनाने के लिए। हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 335 दिन में ये टर्मिनल बनाना है और अगर हम ना बना सके तो हमें $1.5 लाख पर डे की पेनल्टी देनी थी। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमने ये टर्मिनल 300 दिनों में तैयार कर दिया था। आज जहाज़ आपके सामने है, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में पहली दफ़ा LNG इन गैस फॉर्म ट्रांसमिट होगी और इंशाल्लाह इसकी वजह से इस साल और अगले साल तकरीबन 2500 मेगावाट की बिजली के लिए गैस अवेलेबल होगी। ये देख लो ये रस्सी ऊपर जा रही है ना, यहाँ से वो भेजेगा और ये वाली भी यहाँ से साइड। टर्मिनल है ये कादरपुर सावन कादरपुर जैसा गैस फील्ड जो है उससे बड़ा है। कादरपुर जो है इस वक्त 400 मिलियन क्यूबिक फीट अ डे देता है, ये जो जहाज़ है 690 मिलियन क्यूबिक फीट की कैपेसिटी है। सो इट इज़ बिगर देन कादरपुर, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स ऑफ पाकिस्तान नाउ। सारी कौम को मुबारकबाद है कि जी जो इस गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी 2013 जुलाई में टर्मिनल के बारे में, LNG फास्ट ट्रैक टर्मिनल के बारे में, और उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हुई थी हमारी पोर्ट कासिम के बीच में और एंग्रो के बीच में अप्रैल 2014 में। आज आप देख रहे हैं कि 11 महीने के अंदर टर्मिनल भी कम्प्लीट हो गया है और LNG कैरियर FSRU विथ कार्गो भी आ गया है। कुछ दिनों में ये कार्गो जो है ये डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू सुई सदन गैस की मेन गैस नेटवर्क में। पहले कुछ दिनों में 200 MMCU के हिसाब से, उसके बाद 400। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर टाइम के अंदर एक टर्मिनल कंप्लीट हुआ है और टाइम के अंदर LNG भी आ गई है, जिस पे काफ़ी शको शुबात एक किस्म के क्रिएट किए गए थे कि शायद ये नहीं आएगा। कल तक अखबारें यही छाप रही थी कि पोर्ट कासिम जो है वो इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि शिप को एक्सेप्ट कर सकेगा। दुनिया वाले आए, मुनव्वर आया था क्या?